भारत में अंग प्रत्यारोपण के लिए नए दिशा निर्देश, आज तक की श्वेता सिंह द्वारा लिखित। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंग प्रत्यारोपण के लिए नए दिशा निर्देश पेश किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और नैतिक बनाना है। उनका उद्देश्य इलीगल प्रैक्टिसेस को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना भी है कि अंगों का आवंटन फेयरली हो। यह सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि यह उन लोगों के जीवन को प्रभावित करती है जो जीवन रक्षक प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंग व्यापार को ना कहें, यह एक गंभीर अपराध है और मानवता के खिलाफ है। इन नए दिशा निर्देशों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक मानव अंगों में व्यावसायिक लेन देन की सख्त मनाही है। यह सुनिश्चित करता है कि अंग दान केवल परोपकार की भावना से किया जाए। इसका मतलब है कि भारत में अंग खरीदना या बेचना सख्त रूप से गैरकानूनी है। यह कानून अंग व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अंग प्रत्यारोपण डोनेशन की भावना से प्रेरित हों, न कि लाभ से। यह समाज में नैतिकता और मानवता को बढ़ावा देता है। यह कदम कमजोर व्यक्तियों को शोषण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक लाभ के लिए अपने अंगों का व्यापार न करे। यह मानव जीवन की पवित्रता और नैतिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व को भी पुष्ट करता है। अंगदान एक पवित्र कार्य है और इसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार अंग व्यापार में विकंट्री नागरिकों की भागीदारी को लेकर विशेष रूप से चिंतित है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी विकंट्री नागरिक इस अवैध गतिविधि में शामिल न हो। नए दिशा निर्देशों का उत्कंठ्य ऐसी किसी भी गतिविधि पर अंकुश लगाना है। यह कानून अंग व्यापार को रोकने और नैतिकता को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। देश के भीतर अंग दान को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि भारतीय नागरिकों को जीवन रक्षक प्रत्यारोपण की सुविधा मिले। यह कदम देश में अंग दान की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और लोगों को जीवन बचाने के लिए प्रेरित करता है। नोटो आईडी अंगों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करना। नए दिशा निर्देश नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी कार्ड नोटो आईडी की भूमिका पर जोर देते हैं। अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स के लिए यह आईडी अनिवार्य है। इसमें मरीज, डोनर और मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल हैं। नोटो आईडी एक सेंट्रलाइज्ड वेटिंग लिस्ट से जुड़ा हुआ है। यह सूची सुनिश्चित करती है कि मेडिकल अर्जेंसी और कंपेटिबिलिटी के आधार पर अंगों का आवंटन फेयरली हो। ये प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और अंग आवंटन में किसी भी प्रकार के पक्षपात या हेरफेर की संभावना को समाप्त करती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रोगी को जीवन रक्षक प्रत्यारोपण प्राप्त करने का उचित अवसर मिले। नोटो को समझना। भारत का प्रत्यारोपण नेटवर्क, यह एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रणाली है जो जीवन बचाने में मदद करती है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन या नोटो भारत की अंग प्रत्यारोपण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठन अंग दान और प्रत्यारोपण के हर पहलू को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। 2014 में स्थापित नोटो देश में सभी अंग और ऊतक दान और प्रत्यारोपण गतिविधियों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और कुशलता से संचालित हों। नोटो का प्राथमिक उत्कंठ्य अंग दान को बढ़ावा देना, प्रत्यारोपण प्रक्रिया को कारगर बनाना और सभी नागरिकों के लिए अंगों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। यह संगठन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को अंग दान के महत्व के बारे में शिक्षित करता है। यह अंग आवंटन के समन्वय, दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाए रखने और अंग दान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय संगठनों और अस्पतालों के साथ मिलकर काम करता है। नोटो का उत्कंठ्य एक मजबूत और विश्वसनीय प्रत्यारोपण नेटवर्क बनाना है जो सभी के लिए सुलभ हो। नोटो के दो स्तंभ, समन्वय और बायोमटेरियल विशेषज्ञता, ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो अंग प्रत्यारोपण प्रणाली की नींव को मजबूत बनाते हैं। नोटो में दो मुख्य प्रभाग शामिल हैं, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन या नोटो और नेशनल बायोमटेरियल सेंटर, जिसे NBC भी कहा जाता है। ये दोनों प्रभाग मिलकर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों प्रभाग भारत में अंग प्रत्यारोपण प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। NOTO और NBC के बीच का समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। NOTO अंग आवंटन के समन्वय,
दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाए रखने और अंगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर अंग सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे। यह एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रत्यारोपण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय संगठनों और अस्पतालों के साथ मिलकर काम करता है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर NBC प्रत्यारोपण में उपयोग किए जाने वाले बायोमटेरियल्स के अनुसंधान, विकास और नैतिक सोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बायोमटेरियल्स उच्चतम गुणवत्ता के हों और नैतिक रूप से प्राप्त किए गए हों। नेशनल बायोमटेरियल सेंटर जीवन रक्षक प्रत्यारोपण का समर्थन। नेशनल बायोमटेरियल सेंटर या NBC नोटो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रत्यारोपण में उपयोग किए जाने वाले बायोमटेरियल्स के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। बायोमटेरियल्स प्राकृतिक या सिंथेटिक पदार्थ हैं, जिनका उपयोग क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को बदलने या उनका समर्थन करने के लिए किया जाता है। NBC इन बायोमटेरियल्स की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रत्यारोपण के लिए ऊतकों और अंगों की नैतिक सोर्सिंग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्यारोपण सुरक्षित और नैतिक तरीके से किए जाएं, जिससे दाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों के लिए जोखिम कम से कम हो। नियमों का पालन करने का महत्व। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अमेंडमेंट एक्ट 2011 भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश इस अधिनियम के अनुरूप हैं और इसका उद्देश्य इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। सभी स्टेकहोल्डर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पेशेंट्स और उनके परिवारों के लिए इन नियमों का कड़ाई से पालन करना महत्वपूर्ण है। ये भारत में एक पारदर्शी और नैतिक अंग प्रत्यारोपण प्रणाली बनाने में मदद करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंग समय पर और उचित तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचे। भारत में अंग प्रत्यारोपण के लिए एक उज्ज्वल भविष्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश भारत की अंग प्रत्यारोपण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक प्रथाओं पर जोर देकर इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य अनैतिक कार्यों को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि अंगों को जरूरतमंदों को फेयरली आवंटित किया जाए। व्यावसायिक लेन देन की सख्त मनाही, नोटो आईडी की महत्वपूर्ण भूमिका और घरेलू अंग दान पर ध्यान केंद्रित करने से भारत में एक अधिक न्यायवृहित और सुलभ प्रत्यारोपण प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी। यह न केवल जीवन बचाएगा बल्कि जीवन रक्षक प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे अनगिनत व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। निष्कर्ष: नैतिक और सुलभ अंग प्रत्यारोपण की ओर नए दिशा निर्देश भारत में नैतिक और सुलभ अंग प्रत्यारोपण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। पारदर्शिता, जवाबदेही और रोगियों की भलाई पर जोर देकर इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो निष्पक्ष, कुशल और वास्तव में जीवन रक्षक हो। इन दिशा निर्देशों को समझना और उनका समर्थन करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हम सभी एक ऐसे भविष्य में योगदान कर सकते हैं जहां अंग प्रत्यारोपण आशा और उपचार का प्रतीक हो, न कि शोषण या निराशा का स्रोत।